हेलो फ्रेंड्स, हम आपको इस वीडियो में बालों को लंबा कैसे करें इसकी जानकारी देंगे। अगर आप अपने बालों को लंबा करना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। हम आपको बहुत ही आसान और बहुत ही उपयोगी तरीकों के बारे में बताने वाले हैं, जिससे कि आप बहुत आसानी से अपने बालों को लंबा और घना कर पाएंगे। तो इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। तो आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपाय। पहला उपाय यह है कि केले का पेस्ट। किसी के भी बाल यदि बहुत ज्यादा झड़ते हैं तो उन्हें रोकने के लिए एक या दो केले को लेकर के उसमें जैतून और नारियल तेल को एक चम्मच डालें और फिर इसमें थोड़ा सा शहद मिलाएं और इस पेस्ट को अपने बालों तथा जड़ों में अच्छी तरह से लगाएं और ठंडे पानी से अपने बालों को धो लें। इस तरह से आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे और आपकी हेयर ग्रोथ शुरू हो जाएगी। दूसरा उपाय यह है कि नारियल तेल और प्याज। 3 चम्मच नारियल के तेल में 3 चम्मच प्याज का रस और 2 चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं। इसके बाद इसे स्कैल्प पर अच्छी तरह से धीरे धीरे मसाज करते हुए लगाएं और करीब 30 मिनट तक ऐसे ही लगाकर रहने दें। फिर बाद में बाल को धो लें। इससे आपके बाल हेल्दी होने के साथ बढ़ेंगे, साथ ही हेयर फॉल की समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। तीसरा उपाय यह कि मुलेठी। यह जड़ी बूटी बाल को लंबा करने में बहुत ही फायदेमंद होती है तथा हेयर फॉल की समस्या को भी दूर करती है। तो इसके लिए सबसे पहले आप 1 कप दूध में 1 बड़ा चम्मच मुलेठी की जड़ और 1/4 चम्मच केसर मिला के अच्छे से पेस्ट बनाएं। अब इस पेस्ट को अपने स्कैल्प और बालों की लंबाई के अनुसार अच्छे से लगाएं और रात भर ऐसे ही लगाकर रहने दें। अगली सुबह अपने बाल को आप धो लें। इस प्रक्रिया को आप सप्ताह में 2 बार जरूर करें। आपको कुछ दिनों में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। चौथा उपाय यह है कि मुल्तानी मिट्टी और दही। इसके लिए आप मुल्तानी मिट्टी को किसी बर्तन में डाल करके उसमें दही मिलाएं। अब इसमें धीरे धीरे पानी डालें और साथ ही साथ अच्छे से हिलाएं और इसका अच्छा सा पतला सा पेस्ट बना लें। अब इसे उंगलियों की सहायता या ब्रश की मदद से अपने बालों की जड़ों में लगाएं और 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही रहने दें। फिर अपने सिर को धो लें। इसको हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करने से आपके बाल गिनना बंद हो जाएंगे तथा घना, नर्म और चमकदार हो जाएंगे। पांचवा उपाय यह है कि दही का पेस्ट। दही में प्रोटीन और विटामिन अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। प्रमुख रूप से दूध और दही में विटामिन डी और विटामिन बी बहुत होता है, जो हमारे शरीर के साथ साथ बालों के लिए बेहद ही फायदेमंद होते हैं। इसके लिए आप 1 कटोरी दही लें और उसमें सेब का सिरका और थोड़ा सा शहद मिलाकर के एक अच्छी सी पेस्ट बनाएं। अब इस तैयार पेस्ट को अपने बालों में लगाएं और फिर शैम्पू कर लें। इस प्रक्रिया को आप सप्ताह में 1 बार जरूर करें। आपके बाल गारंटी के साथ झड़ने बंद हो जाएंगे और हेयर ग्रोथ की समस्या भी दूर हो जाएगी। छठा उपाय यह है कि नीम के पत्ते। अपने बालों को आप नीम के पानी से धोएं। बालों को हफ्ते में 2 या 3 बार नीम के पत्ते के पानी से ही साफ करें और फिर बालों में नारियल के तेल से मालिश करें और बालों में रोज कंघी करने से भी बाल तेजी से बढ़ते हैं। सातवां उपाय है कि भृंगराज। इसका उपयोग करने के लिए आप त्रिफला के चूर्ण को पानी में डाल करके उबालें और इसे अच्छी तरह से सुखा करके इसको पीस लें। इसे प्रतिदिन सुबह के समय लगभग 2 ग्राम तक सेवन करें। इसका सेवन करने से आपके बाल सफेद होने बंद हो जाएंगे तथा आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी और आपके बालों को काला घना लंबा बनाने में भी सहायता प्रदान करेगा। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।